शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से एडीजी जोन अखिल कुमार ने सोमवार को जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, सीओ ट्रैफिक नीतीश सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ मोहद्दीपुर चौराहे पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए गहन मंथन किया और जाम से निजात दिलाने के लिए कड़े निर्णय लिए। इस संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि मोहद्दीपुर चौराहे पर जाम की शिकायत पर चौराहे का निरीक्षण किया है। मोहद्दीपुर चौराहे को जाम से मुक्त दिलाने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में पीडब्ल्यूडी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि मोहद्दीपुर चौराहे से हर मार्ग पर वायो लेन फ्री लेन घोषित किया गया, इसे कोन के माध्यम से डिवाइड किया जाएगा। जिन्हें बाई दिशा की तरफ नहीं जाना होगा वे वायो लेन पर नहीं आएंगे। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो भारी जुर्माना वसूलते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि देवरिया से आने वाले बड़े वाहन व चार पहिया वाहन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खोराबार से सीधे प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि देवरिया बाईपास होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। केवल दो पहिया वाहन, टेम्पो के अलावा मरीज वाले वाहन ही प्रवेश करेंगे। एडीजी जोन ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा मोहद्दीपुर चौराहे से 200 मीटर आगे कूड़ा घाट की तरफ ऑटो के ठहराव के लिए स्थान दिया गया है, जहां से आगे सवारियों को उतारने व चढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मोहद्दीपुर को जाम से मुक्त कराने के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, गोरखपुर में ट्रैफिक की समस्याएं बताई गई, खास करके सोमवार के दिन में ज़्यादा रहती है, तो इस विषय में हमने जानकारी की तो बताया गया सबसे ज़्यादा जाम मोहद्दीपुर में रहता है। तो हम लोगों ने आज प्रथम चरण में सोचा कि पहले चल के देखें कि क्या इस ट्रैफिक की समस्या है, और फिर मैं वहाँ गया और मेरे अनुरोध पर जिलाधिकारी और SSP भी आए हैं और हम लोगों ने मिलकर वहाँ विस्तृत वहाँ पर भ्रमण किया गया, कुछ निर्णय लिए गए हैं। वो निर्णय में हम लोगों ने निर्णय किया गया है कि कुछ देवरिया से आने वाली ट्रैफिक है उसको डिफरेंट रास्ते में डाइवर्ट किया जाएगा। लेफ्ट लेन जो है जो फ्री रहनी चाहिए वहाँ पे लोग गलत ढंग से आ जाते हैं, उनको एजुकेट किया जाएगा कुछ दिन बाद और फिर उसके बाद उनकी चलान किया जाएगा और उस लेफ्ट लेन पे निर्माण भी किया जाता है ताकि लोगों को मालूम चले कि इसी रास्ते से जाना है। इसके अतिरिक्त जो बस आती है कुशीनगर और देवरिया की तरफ से प्राइवेट बसेस, उनके लिए एक बस स्टैंड जिलाधिकारी ने निर्धारित किया, उसको हम लोग अगले 15 दिन में वहाँ उसको शिफ्ट कर देंगे। कुछ निर्माण कार्य होने हैं उस चौराहे के आसपास, उसको भी किया जाएगा। इसको हम लोगों ने करीब 3-4 घंटे वहाँ रुके और इसको हम लोगों ने कराया इम्प्लीमेंट, तो हमने पाया कि ट्रैफिक में सुधार हुआ इमीडिएटली, अराउंड 50% लोड वहाँ पर कमा। तो हमारा मानना है कि अगर इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए
तो इस पर काफ़ी प्रगति हो सकती है। रेडिसन होटल के सामने लोग गाड़ियां पार्क करते थे, वो मना कर दिया गया क्योंकि पब्लिक स्पेस है, उसके कारण रोड संकुचित हो जाती थी। तो इन व्यवस्थाओं को लागू करने की कोशिश की जा रही है। अभी फोकस से मोदीपुर पे है, ताकि एक चौराहे को अगर हम थोड़ा ठीक कर लें तो फिर हम दूसरे चौराहे पे फोकस कर सकें। तो उसको ही हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, कुछ दिन तक हम उसी पर फोकस करते रहेंगे, वहाँ इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। मीनवाइल पीडब्ल्यूडी उस चौराहे के सौंदर्यीकरण या उसका जो इंजीनियरिंग है उस पर एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, और 3-4 महीने में वो भी अप्रूव कार्य पूर्ण हो जाएगा। तब के उसके पश्चात मुझे लगता है कि जाम की जो समस्या उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगी। सर कोई पार्किंग स्थल उधर नहीं है उसको लेकर के? एक बगल में एक जगह आइडेंटिफाई हुई है, अवंतिका होटल के आसपास ही है वो जगह, जिलाधिकारी ने वहाँ निकाला है, वो ऑटो स्टैंड और पार्किंग के विषय में उसको यूज़ करने का योजना है उसके अंतर्गत। तो वो भी अगर हो जाएगा तो वहाँ जो ऑटो स्टैंड और ऑटो रोड पे लगती है उससे भी हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। और इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं पहले उसको में सुधार लाए। कुछ और पॉइंट्स लोगों ने अभी सुझाव दिए हैं, उसको फिर नेक्स्ट टेकअप करेंगे हम लोग।